गाइज आप सारे लोग बड़ी मुश्किल से अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करते हो और जब अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो तो आपके चैनल पर जो प्रॉब्लम आती है YouTube की तरफ से वो आती है रियूज कंटेंट की। और मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, लाखों चैनल यहां पर डीमोनेटाइज हो रहे हैं इसकी वजह से, जिसका नाम है रियूज कंटेंट। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, इनका चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे क्रिएटर क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिएटर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं लेकिन बड़े क्रिएटर उनकी हेल्प नहीं कर रहे, उनकी मदद कर नहीं रहे और उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को रियूज कंटेंट को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप एक नए क्रिएटर हो और आपके चैनल पर ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट होने वाला है, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना जैसा बहुत सारे क्रिएटर के साथ में रियूज कंटेंट वाले की प्रॉब्लम आ रही है, वैसा आपके साथ में भी रियूज कंटेंट वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि रियूज कंटेंट आता क्यों है जब हम फर्स्ट टाइम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं। तो मैं यहां पर दो तरीके की कैटेगरी पर बात करूंगा। सबसे पहला वॉइस ओवर, दूसरा है फेस कैम। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस ओवर, ठीक है। बहुत सारे क्रिएटर मुझसे क्या बोल रहे हैं, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। मेरे से बहुत सारे व्यूअर बोलते हैं कि सर मेरे चैनल पर पूरी वीडियो के अंदर में शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉइस ओवर है, फिर भी YouTube जो है हमारे चैनल पर रियूज कंटेंट देता है। तो यहां पर फिर भी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है और काफी ज्यादा परेशान है और आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो रियूज कंटेंट वाली प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि बंदा तो खुद का काम कर रहा है, खुद का शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉइस ओवर है, फिर भी रियूज कंटेंट क्यों आ रहा है। तो उसकी वीडियो को मैंने जब चेक किया तो उसकी वीडियो में मैंने जो चीज पाया वो पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बता सकता। आप सभी लोगों को इतना याद रखना, जो भी अपनी वीडियो के अंदर में वो वॉइस ओवर कर रहे थे उनकी खुद की आवाज थी, लेकिन अपनी आवाज को डबल कर रखा था उन्होंने, अपनी आवाज में एको कर रखा था और अपनी आवाज में एडिटिंग करके अच्छे तरीके से उसको थोड़ा सा कम ज्यादा अपनी वॉइस को करके रखा था, जिसके वजह से YouTube के एल्गोरिथम में आ जाता है रोबोटिक वॉइस, ठीक है। और जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो तो ये प्रॉब्लम आती है, रियूज कंटेंट वाली प्रॉब्लम। तो आप समझ चुके होंगे इसी के वजह से रियूज कंटेंट आता है। आप अपनी वीडियो के अंदर में जो वॉइस ओवर करते हो उसको कभी भी एडिट नहीं करना चाहिए। आपका जो शुरू से लेके एंड तक पूरा जो वॉइस है उसको आपको अपनी ओरिजिनल आवाज में ही रखना है, उसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करना है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। ये बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ में मैंने देखा है, उनकी पूरी वीडियो के अंदर में पूरा वॉइस है लेकिन यहां पर क्या कर रखा, वॉइस को ही एडिट कर रखा। वॉइस में कभी उनके एको है तो कभी यहां पर अपनी आवाज को ही एडिट करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, या फिर अपनी आवाज़ में ही कुछ पता नहीं कम ज़्यादा या मोटा पतला अपनी वॉइस को कर देते हैं और थोड़ा सा कुछ इस तरीके से वॉइस कर देते हैं जिससे थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगे। लेकिन आपकी यही सबसे बड़ी गलती है जिसके वजह से आपके चैनल पर रिव्यूज कंटेंट आता है, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम पकड़ लेता है कि ये एक रोबोटिक वॉइस है जो कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया। दूसरा रीज़न आपको क्या करना है अपने चैनल को मोनेटाइजेशन भेजने से पहले, या अगर आप दोबारा से रीअप्लाई कर रहे हो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपको अपने चैनल पर जो चीज़ें चेक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ चेक करना है। आपको अपने चैनल पर अपनी वीडियो को रखना है जिसमें आपका शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉइस ओवर है, या वॉइस ओवर फेस कैम है, या पूरा फेस कैम है, या पूरा वॉइस है, वो आपको वही वीडियो को रखना है जिसमें आपका काम है। क्योंकि YouTube कहता है आपका 80% काम होना चाहिए, उसमें 80-90% आपका काम होना चाहिए, या तो वॉइस ओवर रखो या तो फेस कैम रखो। लेकिन वॉइस ओवर में अपनी आवाज़ को एडिट नहीं करना, अपनी वॉइस को एडिट नहीं करना, जो आपकी ओरिजिनल आवाज़ है वही रखना है। और अगर आपका फेस कैम वॉइस ओवर दोनों है तो वेल एंड गुड, आपका चैनल आसानी से मोनेटाइज जाएगा। और अगर आपने पहले से कोई अपने चैनल पर वीडियो डाल के रखा है तो आपको उसको डिलीट मारना पड़ेगा, अपने चैनल पर अपनी वीडियो को रखना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में होगा कि मैंने कोई कहीं से एक वीडियो डाल दिया अपने चैनल पर, उससे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है, या 2-3 वीडियो डाल दिए तो क्या करें हम। तो गाइज आपको एक ही वीडियो को रखना है जिससे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है। अगर वो वीडियो आपकी नहीं है तो उस वीडियो को रख सकते हो जिससे आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है। उस वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल, ये चारों चीजें चेंज कर देना। थंबनेल में अपनी खुद की पेंडी टाइप फोटो लगाना है। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि अगर हम दूसरे की एक वीडियो रखते हैं अपने चैनल पर तो ऐसे कैसे मोनेटाइज जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने काफी सारे चैनल मोनेटाइज कराए दूसरे की वीडियो को रखकर। बहुत सारे क्रिएटर ने अपने चैनल पर दूसरे की वीडियो डालकर रखा था, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर से जब मैंने बोला वीडियोस को डिलीट मार दो, तो यहां पर उन्होंने डिलीट मारने से पहले मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि अगर डिलीट मार देंगे तो हमारा वॉच टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। तब मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आप एक वीडियो को रखो जिसे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है, उसी वीडियो को रखो अगर वो वीडियो आपकी वायरल है तो। और उन्होंने मेरी बात को सुना और अपनी वीडियो का टाइटल, थंबनेल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ चेंज कर दिया और उस वीडियो को रखा। और बाकी जब मैंने उनको बोला कि अब जो भी आप नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो डालोगे उसमें आपका पूरा काम होना चाहिए शुरू से लेकर एंड तक, वॉइस ओवर, फेस कैम या वॉइस ओवर पूरे वीडियो के अंदर में रहना चाहिए, लेकिन वॉइस को एडिट नहीं करना है। ऐसा उन्होंने किया और उनका चैनल आसानी से मोनेटाइज हो गया गाइज, आप यकीन माने। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे पहले मैंने वीडियो बहुत सारे टॉपिक पर बना रखा है रियूज कंटेंट से रिलेटेड, और बहुत सारे क्रिएटर ने सेम टॉपिक को देखकर मेरी वीडियो को ही देखकर अपने अपने चैनल पर बताया है, जो कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि 150 से ज़्यादा चैनल मैंने लोगों के मोनेटाइज कराए, काफ़ी सारे चैनल उसमें रियूज कॉन्टेंट वाले थे, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आपको उसको सही करना है और उसके बाद आप इसको जो है अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजना, अपने चैनल पर 25-30 वीडियो कर लेना और सब में थंबनेल में अपनी खुद की फोटो लगाना और जो वीडियो से रिलेटेड आपका थंबनेल होता है वो लिख देना और भेज देना, आपका चैनल 101% मोनेटाइज हो जाएगा गाइस, इतना याद रखना। तो ये था दूसरा रीजन। अब तीसरे रीजन के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे क्रिएटर जो क्या करते हैं कि बहुत सारे क्रिएटर दूसरे की वीडियोस उठाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं से भी उठाकर, कोई भी सोशल मीडिया से उठाकर अपने चैनल पर एडिट करके डाल देते हैं और उनकी वीडियोस पर लाखों में, करोड़ों में व्यूज आते हैं। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, जब वो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो उनके चैनल पर रिव्यूज कॉर्नर वाली प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर देखो, आप दूसरे की वीडियो डाल रहे हो अपने चैनल पर, लेकिन वो यहां पर क्या कर रहा है, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ा के दे रहा है वो वीडियो, लेकिन वो वीडियो से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। सब्सक्राइबर आपको नंबर्स में काफी सारे दिखेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप क्या कर रहे हो यहां पर, दूसरे की वीडियो डाल रहे हो लेकिन आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब ने मोनेटाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यूट्यूब कह रहा है कि आप सारी वीडियोज को डिलीट मारो, अपने चैनल पर अपना खुद का कॉन्टेंट रखो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी की वीडियो ले रहे हो तो यहां पर बीच बीच में अपना भी काम करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम दूसरे की वीडियो लिए जा रहे हो, अपना फेस कैम वीडियो डालो बीच बीच में, आपके सब्सक्राइबर जो है वो भी आपकी वीडियो को देखेंगे और यहां पर आप अपना फेस वैल्यू भी बढ़ाओगे। लेकिन अगर आपने दूसरे की वीडियो डाल रखा है और आपको अपने चैनल मोनेटाइज कराना है तो आपको सारी वीडियोस को डिलीट मारना पड़ेगा, बस एक वीडियो रखना 4000 घंटे का वॉच टाइम जिससे कंप्लीट हो रहा है, उस वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल, ये सारी चीज चेंज कर देना, थंबनेल में अपनी खुद की फोटो लगाना और उसके बाद अपना खुद का कंटेंट रखना, जो उसमें आपका वॉइस ओवर हो, फेस कैम हो, जो भी हो वो रखना और अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजना, 100% मोनेटाइज हो जाएगा। देखो गाइस, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी चैनल डीमोनेटाइज हो या मोनेटाइज ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं काफी सारे चैनल मोनेटाइज करा चुका हूं और मैं बहुत बता दूं आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर के साथ में क्या हो रहा है, उनका चैनल मोनेटाइज है लेकिन यहां पर जब वो गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका चैनल फिर से डीमोनेटाइज होता है और यूट्यूब रीजन जो देता है वो देता है रियूज कॉन्टेंट, जो कि आपको ऐसी गलती नहीं करना, अपने चैनल पर एक भी मिस्टेक नहीं करना, आपको अपना खुद का कॉन्टेंट रखना है, खुद का काम करना है अपने चैनल पर, सारा खुद का शुरू से लेकर एंड तक, वॉइस ओवर, फेस कैम वॉइस ओवर, या पूरा का पूरा वॉइस ओवर करो या पूरा का पूरा फेस कैम करो, जिससे आपका चैनल जो है आसानी से मोनेटाइज यूट्यूब कर दे। तो इतना आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता दी, ये सारी चीज़ें आपको अपने चैनल पर देखना है और उसको सही करना है। और लास्ट और आखिरी पॉइंट जो है वो है डिस्क्रिप्शन को लेके। बहुत सारे लोग अपने डिस्क्रिप्शन में टैग और बहुत ज़्यादा हैशटैग भर के लिखते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में 10-12 हैशटैग लगाना है और 6-7 टैग लगाना है डिस्क्रिप्शन में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ आपका होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने जो बताया वीडियो के अंदर में वही आपको करना है, आपका चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वाली वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो रहे और यूट्यूब सेम रीज़न दे रहा है, रियूज़ कॉन्टेंट, और काफ़ी सारे लोग पागल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है और काफ़ी सारे लोग जो है डीमोटिवेट हो चुके हैं रियूज़ कॉन्टेंट की वजह से। तो वो खुद काम कर रहे हैं फिर भी रियूज कॉन्टेंट आ रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान हो चुके हैं। तो आपको जो मैंने बताया ना वो सारी चीज़ें करना, आप का चैनल आसानी से मोनेटाइज भी होगा और आप लोग मुझे कमेंट करके खुद ही बताओगे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप लोग खुद ही बोलोगे कि सर आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो आपको ये करना है और अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम यूजर नेम मेरे को आपको दिख रहा होगा, मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है cleverraj7, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और यहाँ वहाँ पर मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना, जिससे आपको मेरी ऐसी जनरल वीडियो मिलती रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।